दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो एक्सपीरियंस था वो बताया, और उसमें क्या क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है और क्या क्या उसमें प्रोसेस है, सारी चीज़ों का मैंने खुल के बात किया आप लोग से। आप लोगों ने उसको बहुत अच्छा पसंद किया, इसके लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, देख रहा हूँ कि आप लोग वीडियो तो देख रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। दोस्तों, इस शुरुआत के टाइम पे इस भाई को आपका सपोर्ट का ज़रूरत है, इसलिए दोस्तों आज मैं आप लोगों को सारे डिटेल्स बताऊंगा। लेकिन उसके पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मैं इसमें बताऊँगा कि मेडिकल से पहले ना आप किन किन चीज़ों को एकदम ध्यान से देख ले, इन सारी चीज़ों को तैयारी करके जाएँ तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे त्रिकोण चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं सबसे पहले दो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। जैसे ही आपका डीवी कंप्लीट होता है, आपको मेडिकल का एक पर्ची दे दिया जाता है, एडमिट कार्ड टाइप का, और बोला जाता है कि ये ले जाना है सुबह एक आधार कार्ड के या कोई भी डॉक्यूमेंट के साथ, और उसके बाद आपको खाली पेट जाने को बोलता हूँ। खाली पेट 8 बजे जाना है, क्योंकि कुछ कुछ टेस्ट होते हैं। तो दोस्तों, हम लोग को भी सेम चीज़ बोला गया, लेकिन हम तो 7:30 बजे पहुंच गए वहाँ। लेकिन दोस्तों, 10 बजे से पहले हॉस्पिटल तो ओपन था जहाँ हम लोग का होना था, 10 बजे से पहले खुला नहीं। तो सारी प्रोसेस दोस्तों 11 बजे से स्टार्ट हुआ। इसलिए आप ना, अगर मतलब आपको अगर पानी प्यास वगैरह लगे तो आप पानी पी सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पानी पी रहे थे, अगर आप मतलब सहन कर सकते तो सहन कर लीजिए, नहीं तो आप पानी वगैरह पी सकते हैं। अब बताता हूँ दोस्तों, देखिए सबसे पहले डीवी के दिन ना आपको क्या करना है, जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है दोस्तों, वो एकदम दोस्तों आपको एकदम एग्जैक्ट देना है। आज दो बच्चे मेरे बैच में, दो बच्चे या तीन बच्चे थे, उनका क्या हुआ ना, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। उनका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क था वो उस पार्ट्स को कुछ और बोलते हैं, वो लिखे कुछ और थे। तो हुआ ना, जैसे मान लीजिए किसी का एक बच्चा का था, उसका कंधा में दोस्तों एक मार्क था, ये तिल था, हुआ ये मोल मार्क उसका कंधा में, ये आर्म में था, और उसने लिखा था कि उसका शोल्डर लिख दिया था, तो उसको प्रॉब्लम हो गया, उसको रोका गया। फिर दोस्तों उसको आरआरवे से उसको काट करके फिर उसको बनाया गया कि इसका जो तिल है वो आर्म में है, शोल्डर में नहीं। फिर आरआरवे के वालों को फ़ोन किया, उसका नया डॉक्यूमेंट तैयार करके आया, तब जाके वो उसका हुआ। तो ये बात ना आप एकदम बहुत ध्यान से पहले से ही देख के जाइए कि आपका किस जगह पे आइडेंटिफिकेशन मार्क है। दो, वो आप घर से ही देख के जाइए, जिसका डीबी नहीं हुआ घर में ही देख ले कि यहाँ यहाँ मेरा है। जैसे मान लीजिए आपका गाल में कोई है तो ये मोल मार्क ऑन राइट चीक या लेफ्ट चीक एकदम। मैंने ना पहला वाला डीवी वीडियो में अपना देखना पार्ट्स ऑफ बॉडी का जो फोटो दिया था, वहाँ से आप देख लेना, नहीं तो इंटरनेट में सर्च करना पार्ट्स ऑफ बॉडी, उसमें से जो फोटो मिलेंगे वहाँ से चेक कर लेना इंग्लिश में उस एग्जैक्ट पार्ट को क्या कह रहा है, और उसी के रिगार्डिंग दोस्तों अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क देना आप लोग। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे मुझे फ़ोन करके पूछ रहे थे क्या वही वाला देना है जो मैंने एप्लीकेशन में डाला था, दो आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है, आपने एप्लीकेशन में जो भरा है वो एक साइड, और आप जो अभी देंगे ना वही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए दोस्तों एकदम अच्छे से आप इस चीज़ को देख ले। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, मास्क ले जाना ना भूले, दो मास्क हमेशा अपना साथ रखे दोस्तों। सबसे पहले मेरा मतलब जब मेडिकल हुआ ना, मेरा मेडिकल सबसे पहले मेरा नाम बुलाया गया था, तो क्या हुआ, मैंने मास्क भूल गया था ले जाने, मेरा बैग में था, पता नहीं कहाँ गिर गया, और मैंने रुमाल भी मेरे पास नहीं था। तो पहले मतलब मास्क पहन के आओ, मास्क नहीं है, बोले रुमाल पहन के आओ, रुमाल भी नहीं है। अब क्या, अगर हम मेरा बोला कि अब तुमको सबसे लास्ट में देंगे, तो फिर कोई बंदा था बगल में वो मुझे मास्क दिए, तो वही पहन के मैं गया। तो इसीलिए मास्क दोस्तों एकदम ले जाना जरूरी है, मास्क एकदम ध्यान से रखिए, मास्क दो मास्क भर लीजिएगा, एक बैकअप के तौर पर रख लीजिएगा। तो जैसे बोला दोस्तों, 11 बजे से प्रोसेस शुरू हुआ, तो नाम बुलाया गया, तो 11 बजे वो एक फॉर्म दिए, फॉर्म वगैरह भरे हम लोग, फिर हम लोग का टेस्ट का 3 पर्ची दिए। तो टेस्ट तो हुआ नहीं, सिर्फ 2 टेस्ट ही हुआ है अभी हम लोग का, एक यूरिन का टेस्ट हुआ है और दोस्तों एक चेस्ट का एक्सरे हुआ, बस यही दोनों टेस्ट हुआ है अभी तक। और बाकी जो भी टेस्ट हो दोस्तों, जैसे आँख का टेस्ट, ECG, अब जो भी कराना हो वो बोले कि नेक्स्ट डे कराएंगे, नेक्स्ट डे हम लोग को टाइम दिया गया। तो एक दिन में तो हमारा कम्प्लीट नहीं हुआ, तो देखते हैं अब 2 दिन या 3 दिन कितना दिन लगता है, बाकी अपडेट मैं आप लोग को दे दूंगा दोस्तों। और हो सके तो दोस्तों कुछ हेल्दी खाना, जैसे सेब हुआ, केला हुआ, कुछ बिस्कुट, कुछ केक, ये सब अपना बैग में रख लीजिएगा, हुआ, क्योंकि आपको टाइम बहुत लगेंगे।
हुआ मेरा दोस्तों मेडिकल एक दिन में नहीं हुआ, इसीलिए ना मैं अपना पूरा मेडिकल एक्सपीरियंस नहीं बता रहा हूँ अभी इस वीडियो में। जैसे ही मेरा कंप्लीट होता है दोस्तों मैं एकदम फुल रिव्यू दे दूंगा मेरा पूरा मेडिकल एक्सपीरियंस का, कि किस कैसे कैसे कौन से प्रोसेस हो रहे हैं, कैसे कैसे क्या करना पड़ रहा है, सारे चीज़ मैं बता दूंगा उस वीडियो में। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं बस आप लोगों को जिसका अभी है उसको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या जरूरी है, जिससे आपको वहाँ कम से कम पहले ही दिन में ही दिक्कत का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर यहाँ तक दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।